हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर। कैसे हो आप लोग? और हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को, और आज के लेक्चर में देखने वाले ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। लिथियम जो होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, कह सकते हो कि पानी अगर उसके आस पास है, पानी में अगर वो आता है, मॉइस्चर में भी समझ लो अगर वो आता है, तो वो ना फट जाता है, मतलब कि तुरंत रिएक्ट करता है और जलने लगता है। बिल्कुल समझ लो लिथियम से। हाँ, जो लिथियम वाली जो बैटरी होती है, जो फोन की बैटरी लगी होती है, आप जब अपना फोन खोलोगे तो जो बैटरी निकलती है ना, उसे ना आपको खोलना है, बैटरी को खोलना है। आपको फोन खराब होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको नई बैटरी लगवा लेनी है। देखो, जितनी भी लिथियम बैटरी होती है ना, उनके अंदर ना लिथियम होता है। आप जब उसे निकालोगे ना, लिथियम की ना कैसे तो पतली की पट्टी होती है, पेपर टाइप की लंबी लंबी होती है, खोलोगे ठीक है, उसको ना मोड़ना है बिल्कुल, और उसे जाके पानी फेंक देना है, फटेगी बिल्कुल खतरनाक तरीके से। मैं बताऊं भले कि ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में नहीं करना है, लेकिन अब तुम लोग कहां, मैं कहां देखने आने वाला, तुम लोग कहां कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ना लिथियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, कहने का मतलब मेरा ये है। और जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज होती है, इसलिए उनकी जगह ना कोई भी कह सकते हो ना कोई पॉलीमर भी शायद तक यूज की जा रही, पॉलीमर वाली बैटरी भी अब यूज की जा रही। उनके अंदर क्या मैकेनिज्म तो पता नहीं, लेकिन लिथियम आयन ना बैटरी जो आप पढ़ते हो, जो जिन्होंने पढ़ के रखा उनको पता है लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है। पहले देखो, मुझे पता था कि लिथियम आयन बैटरीज होती है, मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत लिथियम होगा। मैंने ना कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा था यूट्यूब पर, उसमें खोलता है बैटरी, उसमें से लिथियम निकालता है, तो पता चलता है कि उसमें इतना सारा लिथियम होता है। जैसे गोल्ड का ले लो, जो हमारी जो मेमोरी कार्ड होती है, जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फोन नहीं, मेमोरी कार्ड में जहाँ पर सेव हो जाएगी, वहां पर देखो मेमोरी कार्ड जो होती है इसमें गोल्ड होता है। गोल्ड जो होता है ज्यादा अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, तो फाइल को अच्छी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अब मेरे पास सिल्वर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सिल्वर में ना स्पीड कम पड़ जाएगी। गोल्ड में ना फाइल ट्रांसफर करती है बहुत लंबी लंबी एमबीस में फाइल होती है, तो उसके लिए ना गोल्ड का यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा हो सकता है कितना गोल्ड होगा, मैंने उसकी भी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें पता चला कि ज्यादा गोल्ड नहीं होता है। अगर आप बहुत सारी मेमोरी कार्ड्स को इकट्ठा करके उसमें से अगर आप निकालोगे, तो कहीं जाके बहुत जो बॉलपेन का जो बॉल होता है ना, उतना बड़ा कहीं गोल्ड जाके बन पाएगा। मैंने सोचा थोड़ा बहुत लिथियम होगा, लेकिन लिथियम काफी मात्रा में निकलता है। या को देखो घर पे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। हम देख रहे थे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में, जिनको हम RLI भी कहते हैं। देखो, जितनी भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होते हैं वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह होते हैं, मतलब कि उतने ही रिएक्टिव होते हैं। हमको फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन को देखनी है। अगर आप किसी भी, सबसे पहले देख लो आप इस वीडियो को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि इसमें ना मैंने बिल्कुल फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज इनको डिस्कस करते हुए चलना है। ज्यादा हमको ऊपर से ना जाएंगे, ना हम ज्यादा डीप में जाएंगे, जितना आपके कोर्स है, आपके सिलेबस में है, बस उतना हमको पढ़ना है ठीक है। देख लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन लिथियम बॉन्ड। एग्जाम्पल समझ लो CH3Li, मैथिल लिथियम, एथिल लिथियम, प्रोपिल लिथियम ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर यहां पर मान के चलो कोई भी आर ग्रुप है, आर ग्रुप का मतलब समझो, यहां पर एक शॉर्ट मैंने लिख के रखा है, आर ग्रुप, कोई भी अगर आर ग्रुप है वो एक्स के साथ, मतलब कि कोई भी हैलोजन है, और साथ में लिथियम के साथ रिएक्शन करता है, कैटलिस्ट कौन रहता है, ईथर और -10°C होता है, और तो RLI बनता है और LIX निकल जाता है। अभी सब कुछ समझा रहा हूं मैं, अभी समझ जाएंगे आप सब कुछ। तो यहां पर आप कोई भी आर ग्रुप ले सकते हो, ऐसी जाहिर सी बात नहीं है कि हमने मेथेन लिया या एथेन लिया, प्रोपेन लिया, ब्यूटेन लिया, कोई भी आर ग्रुप यहां पर आ सकता है ठीक है। प्रिपरेशन देख लो, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद लिथियम। बहुत ही इजी, कुछ नहीं ज्यादा समझना है इसमें आपको। देखो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। ऑर्गेनोमिथियल जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसको निकाल, उसको प्राप्त किया जाता है एल्किल हैलाइड के रिएक्शन से। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ करवा दी जाती है, कैटलिस्ट कौन होता है, ड्राई ईथर और -10°C टेम्परेचर होता है। द रिएक्शन इज कैरीड इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। जो रिएक्शन होती है इनर्ट एटमोस्फेयर, मतलब कि निष्क्रिय वातावरण में। देखो, निष्क्रिय वातावरण क्या होता है, देखो जितने भी हमारी जो गैसेस होती है इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक मतलब समझो जिनके ना सब कुछ, मतलब जो संतुष्ट होकर बैठी हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, जिनॉन हो गई, रेडॉन हो गई, ऑर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, और हाँ बस और भी जो भी हैं, जिनका अष्टक पूरा हो जाता है ना, इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे कि जो हमारा बल्ब होता है, पुराना वाला बल्ब, मैंने एक बल्ब बनाया था, एक सेकंड रुको, मैं अपना एक बल्ब दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको जरा। ये बल्ब ना बिल्कुल आज की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, पुराने मटेरियल को नए मटेरियल के अंदर डाला गया इस बल्ब के अंदर। मजा करना यार, देखो ये क्या लग रहा है, ये एक LED बल्ब है। नहीं, ये LED बल्ब नहीं है, ये कह सकते हो कि इसके साथ बहुत ही खतरनाक व्यवहार किया है हमने,
देखो इस बल्ब के अंदर ना, दिखाता हूँ, दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। इसके अंदर वो पुराना वाला जो बल्ब होता था ना, जो छोटा वाला बल्ब जिसे हूं करके टाइट किया जाता था, जिसे घुमा घुमा कर टाइट किया जाता था, पुराने को हमने नए के अंदर शिफ्ट कर दिया, धोखा किया हमने उसके साथ। हाँ, तो ये जो बल्ब है ना, ये जो पुराना जो बल्ब होता था कांच का, उसके अंदर देखो नाइट्रोजन है तो आर्गन भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि वो ना एक अक्रिय होती है, क्योंकि देखो अगर इसके अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा तो अंदर का जो टंगस्टन है ना, जो अंदर फिलामेंट है टंगस्टन का होता है, वो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और तुरंत ही टूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर ना एक निष्क्रिय वातावरण तैयार किया जाता है। आप जो ना लेयर या फिर जो भी चिप्स खाते हो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि वो देखो पहली बात तो उसके अंदर मॉइस्चर ना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करके वो ना बहुत ही नमी हो जाएगी, मतलब कि ढीले पड़ जाएंगे और कुर कुर की आवाज नहीं आएगी, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। तो जो अक्रिय गैसें होती है ना, वो बिल्कुल कह सकते हो कि रिएक्शन में कोई बाहरी चीज उनमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए वहां पर अक्रिय चीजें लगा दी जाती है। मैं रखाता हूँ इसे, बहुत ही गजब का बल्ब है। ये वाइट नहीं जलता, ये रेडी जलता है भाई, गर्मी बहुत पैदा करता है यार ये, ठीक है। इनर्ट एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन, शॉर्ट में देख लो कैसे किया है हमने। पहले ये समझ लो, पहले ये क्या चीज है, देखो CH3 मेथिल आयोडाइड की जब रिएक्शन हम लिथियम के साथ करवाते हैं, कैटलिस्ट हमारा ईथर होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, मतलब बिल्कुल जहां ठंडी वाला, तो वहां पर देखो CH3 Li बनता, मतलब कि मैथिल लिथियम बनता और साथ में हमारा एल आई और आई निकल जाता है, लिथियम आयोडाइड हमारा निकल जाता है। आयोडाइड का मतलब समझना, तो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं लेना है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से बातें आती है, जो यहाँ पे आगे टॉपिक देख लेते हैं। FON ये फोन नहीं है, हाँ इसमें पढ़ा जाएगा फोन, फोन FON। एफ जो होता है मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और फोन बहुत खराब भी होता है, मुझे तो मेरा वही फोन याद है जिसमें 5 दबाएं तो बचता छैया छैया, चल छैया छैया छैया, वही अच्छा लगता था मुझे तो। क्या चल रहा है यार आज, थोड़ा मूड बढ़िया है आज मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो Li निकल जाता है, यहाँ पे ना Li के 2 मोल्स होते हैं, शॉर्ट में समझ लो। ऐसी जाहिर सी बात नहीं है कि हमने एथिल ब्रोमाइड लेके रखा है और फिर उसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करवाते हैं, ईथर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर वाने हमारा ये एथिल लिथियम बनता है हमारा, और बाद में फिर हमारा लिथियम ब्रोमाइड निकलता है। देखो जाहिर सी बात नहीं है कि हम हर बार CH3 लें, CH3 CH2 लें, अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन आती तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो R X R जो होता है ये जो ग्रुप होता है इनको R कहा जाता है, X जो होता है ये जो ग्रुप होता है, जो मतलब कि ये जो होते हैं Br I फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको X कहा जाता है। X यानी हैलोजन होता है, और लिथियम तो जानते हो ही क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ऑर्गेनिक लिथियम कंपाउंड, जब उसकी रिएक्शन कर देते हैं ईथर के साथ तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तब हमारा R Li निकल जाता है। R जो होता है एक Li के साथ बॉन्ड में आता है, फिर जो X होता है वो भी Li के साथ बन जाता है। समझ के बिल्कुल बिल्कुल ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से ना इसके आगे चलते हैं जो देखना है इसमें। तो आप हमको देखनी है प्रॉपर्टीज की, आखिरकार क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। देख लो, द इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ओवर जीआर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, जीआर मतलब ग्रिग्नार्ड रेजन, ड्यू टू द ग्रेटर पोलर कैरेक्टर ऑफ कार्बन लिथियम बॉन्ड इन कंपेरिजन टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टूवर्ड्स air and moisture, they react with compounds containing active hydrogen and aldehydes, ketones, carbon dioxide and ethylene oxide in the same way as do Grignard reagent। मतलब कि कहने का मतलब समझो, जैसे कि हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता है वैसे ही सेम टू सेम हमारा ये भी होता है, मतलब कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी हमारा वैसे ही होता है, आर एल आई जो है वो सेम टू सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट कर लेता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। रिएक्शन देख लो क्या है, रिएक्शन में जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखो पानी के साथ अगर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ जो लिथियम होता है वो तुरंत मतलब कि पानी के संपर्क में जब आता है मतलब ब्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लिथियम डाइट नहीं है वो एक आर कंपाउंड के साथ है। अब यहाँ पर आपको समझना कैसे, देख लो जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको अगर आप उनके
चार्ज से समझते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आसानी समझ जाओगे। CH3Li जो CH3 होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे होता है, और जो Li होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के पास जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव के पास जाता है। हम सब बचपन से पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो H+ होता है, और जो OH होता है वो OH- होता है। बस सेम टू सेम केस वही यहाँ पर होने वाला है, जो CH3- है वो जाएगा प्लस के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जाएगा और यहाँ पे मेथेन बन जाता है, और जो हमारा Li है वो OH के साथ जाएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझ गए? अब जब रिएक्शन कराते हैं एथिलीन ऑक्साइड के साथ तो देखो बिल्कुल वही होता है, सेम टू सेम CH3Li है हमारा, ये हमारा एथिलीन ऑक्साइड है। आप जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं ये एपी मानी क्वालिटी नहीं है, दैट मीन्स अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसे हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये ऐड होकर बना है ना, इन दोनों को ये ऐड होकर बना, इसलिए इसे एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, ये जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल जो प्रोडक्ट है खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तब हम इसकी हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और क्या होता है जाकर हमारा प्रोपेनॉल बन जाता है, मतलब कि एक टाइप का अल्कोहल बन जाता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए भी ये एक अच्छा एक विधि है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का यूज करके तो अल्कोहल बना ही सकते हैं, और साथ ही में हम जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है CH3Li उसका भी यूज करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आप इनके कुछ आगे की जो और रिएक्शन है उनको भी नजर डाले थे, देख लेते कैसी होती है वो। देखो यहाँ पर हमने सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, देखो कुछ नहीं होता, जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव सारा घेर पॉजिटिव नेगेटिव का, बस CH3 जो होता है और जो C डबल बॉन्ड O होता है देखो कैसे क्या होता है, बस हमको सबको आपस में जोड़ देना। CH3 है वहां पर C डबल बॉन्ड O और O के साथ जो कि ओपन नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास लिथियम जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर उनको जोड़ देना है। ये बाकी जब जोड़ देंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो एड हो गए उनको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है, सारे सारे एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल होते हैं, समझ लो हिसाब से। बाद में जब इनके में हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उनका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तब जाकर के हमारा एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर सिरका मिलता है हमें, और साथ ही में हमको लिथियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। आप देख लो सेकंड जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कीटोन्स। कीटोन जानते हो ना, कीटोन कीटोन कह सकते हो कि जो जितने भी पेंटिंग वाले जो कारपेंटर की जो सॉफ्ट होती है उसमें जो पेंट होता है उसमें ना कीटोन होता है, वो जो पेंट में ना कीटोन होता है। कीटोन जब रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, तो देखो सबसे पहले तो जो कीटोन का CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 है, O पर डबल बॉन्ड है, यहां सबसे पहले एक बॉन्ड देखो O पर नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन है वो पॉजिटिव है, किसके अकॉर्डिंग O के अकॉर्डिंग, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और वो यहां पर एक अच्छा काम करता है, और जो यहां पर जो हमारा CH3 वो जाकर इसी कार्बन के साथ एड हो जाता है, और कुछ हमारे पास ऐसा केस देखने को मिलता है। O पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और लिथियम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले ये जाके वहां पर जुड़ जाते हैं, और जो कार्बन है वो CH3 के साथ जाके जुड़ जाता है, तो हमारे पास ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और बाद में जब इस एडिशन प्रोडक्ट के हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं तब हमारे पास ये थर्ड डिग्री अल्कोहल बनता है जिसे हम ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं, और साथ में हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि निकल ही रहा है हर प्रोडक्ट में तो निकलता ही वो। अब रिएक्शन विद एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड जो होता है एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे करते हैं, देखो एल्डिहाइड से मुझे चीज याद आते आ गई है, जितने भी चीजें याद आती जाती है मैं साथ में क्लियर करते जाता हूँ। एक एल्डिहाइड का मतलब कि कह सकते हो कि हमने यहाँ पर लिया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का 30% जलीय विलयन जो होता है मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको फॉर्मलिन कहते हैं, और जो फॉर्मलिन होता है वो कह सकते हो कि एक जो आपका दूध होता है, दूध गर्मी में जाता है जल्दी फट जाता है, तो दूध में फार्मलिन डाल दो या फिर जो सब्जियां होती हैं उनके ऊपर फार्मलिन छिड़क दो तो जल्दी खराब नहीं होती है, दूध फटता नहीं है जल्दी और सब्जी खराब नहीं होती है। जो ब्रेड वेड जो खोल के रखते हैं, जो मतलब कि देखा होगा आपने कि कुछ जगह ऐसे सो करने के लिए सब्जियां काट के ऐसे खुले रख देते हैं, तरबूज और कुछ काट के जो फल वाले होते हैं ऐसे खुले रख देते हैं काफी टाइम के लिए, एक उनके सो के लिए वो दिखे, एक अच्छा आकर्षण पैदा हो, जो दिखता है वही तो बिकता है ना, एक अच्छा आकर्षण पैदा हो तो जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो इसके लिए चीजें जल्दी खराब ना हो, जो लंबी टूर के लिए जो सब्जियां जाती है जिसे हमको एक राज्य से दूसरे राज्य में सब्जियां लेकर जाना है, सब्जियां खराब ना हो इसे उसके ऊपर फार्मलिन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो फार्मलिन के छिड़काव से चीजें जल्दी खराब नहीं होती है। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता था, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम CH3Li के साथ करवा देते हैं तो हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, फिर जब हम इस एडिशन प्रोडक्ट का फिर एसिडिफिकेशन करवाते तो हमारे पास ये CH3 CH2OH कुछ याद है
सी एच थ्री सी एच टू ओ एच क्या होता है? हाँ वही सी एच थ्री सी एच टू ओ एच जो पिया जाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है सी एच थ्री सी एच टू, जिसे अल्कोहल जो पिया जाता है, जिसे आधा पानी और आधा वो बन गया पटियाला पैग बनाना नहीं है, बस बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो जो जो अल्कोहल होते हैं, चीजें याद आ रही, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जितने भी अल्कोहल होते हैं वो, अगर आपने अल्कोहल बॉडी में लिया, आपने अल्कोहल पिया, सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। नर्वस सिस्टम पर अटैक करने से क्या होता है, जितने भी गंदी चीजें होती है सबसे पहले तो वो निकलती है मुंह से। आपने जितने भी अल्कोहल पीने वालों को आपने देखा होगा, अल्कोहल पीने के बाद कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, सब गाली देते हैं जा तो लोग। मैं सबको नहीं कहता हूँ कि कुछ लोग ड्रिंक करने के बाद आराम से सो भी जाते हैं शांति, जिनकी आदत बनी हुई है। देखो जो अल्कोहल पीते हैं तो क्या होता है, बॉडी में ना जो वाटर लेवल है कम होता है, और अगर उसी टाइम पर किसी ने दवा खा ली, कोई भी मेडिसिन किसी ने खाई है, तो उससे क्या होगा, पहली बात तो मेडिसिन को बॉडी में काम करने के लिए एक अच्छा खासा वाटर लेवल चाहिए, और दूसरी बात आपने अल्कोहल पी के रखा जो कि बॉडी में वाटर लेवल कम कर रहा है, तो उससे आपकी डेथ हो जाएगी। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं जो हमने जहरीली शराब पी ली, उन्होंने एथिल अल्कोहल नहीं पी, उन्होंने मैथिल अल्कोहल पी कर रखी है। जो मैथिल अल्कोहल तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मैथिल अल्कोहल यानी समझ लो CH3OH, ये होता है मैथिल अल्कोहल, और ये जो हमने ऊपर लिखा है CH3CH2OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। लेकिन दोनों के दोनों प्राइमरी अल्कोहल ही है, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 3rd डिग्री अल्कोहल है। जितने CH ग्रुप होंगे, जितने भी CH3 ग्रुप होंगे वो 3rd डिग्री अल्कोहल, इसमें XCH3 ग्रुप है यानी ये 1st डिग्री अल्कोहल, जिसमें 2 CH3 ग्रुप होंगे, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 CH3 ग्रुप है तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल है, इसमें 1 CH3 ग्रुप है यानी प्राइमरी अल्कोहल है, जिसमें 2 CH3 ग्रुप होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो जितने प्राइमरी अल्कोहल है, पहली बात तो प्राइमरी अल्कोहल में एथिल अल्कोहल को पिया जाता है, एथिल अल्कोहल में कितनी अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से उनको अलग अलग नामों से बांटा जाता है, देसी, महुआ, वाइन, विस्की, वोडका, जो भी होती हो, ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि हम थोड़ा शरीफ किस्म के इंसान है और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ठीक है, टॉपिक सारा क्लियर हो गया आपका। हमने केमिकल रिएक्शंस के साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी और फॉर्मेशन देखा था कि कैसे बनते हैं, ये टॉपिक हमने पूरा पूरा खत्म कर दिया है। आपके सिलेबस में जितना था हमने पूरा पूरा खत्म करने की कोशिश की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ये दो चीजें हमने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो आपका टॉपिक है, जो आपका यूनिट, हम उसमें से खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, और वो हम प्रीवियस लेक्चर में, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे देखेंगे, और प्रीवियस लेक्चर का हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड वो क्या कैसे काम करते हैं, उसके जो कुछ रिएक्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप मिस ना करो, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी बुक की। और बिल्कुल चलते ही आ रहे हैं, देखो अगर आपको वीडियो कुछ जानने वाला, कुछ सीखा हो आपने, या फिर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को, हाँ यार सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो, बताओ भाई चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलेंगे ऑर्गेनो जिंक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर वालों का भी ख्याल रखो। जय हिंद।